So brothers and sisters, today is the last day of 2023. तो भाइयों बहनों आज 2023 का आखिरी दिन है. And so the whole year has almost gone off now. तो पूरा साल जो है खत्म हो चुका है अब. And we can just look, reflect back on how it has been. तो हम अपने अतीत की ओर देख सकते हैं कि हमारा साल कैसा रहा है. Why do we reflect back? हमें अतीत में क्यों देखना है? Just to see if anything how it went and whether things can become better. ये इसलिए कि ताकि कैसे चीजें हुई है, क्या वो चीजें और भी बेहतर हो सकती थी, ये देखने के लिए. And to thank God for the things that has happened. और जो भी चीजें हमारी जीवन में हुई है उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना. So the word of God says that we can reflect on things back. तो परमेश्वर का वचन हमसे कहती है कि हमें जो पिछले बीती हुई चीजें हैं उसे देखना चाहिए. It says in 2 Corinthians chapter 13 verse 5. वो लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके 5वें वचन में. It says test yourselves to see if you are in the faith, examine yourselves. यहाँ पे कहा गया है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो. And then in Galatians chapter 5 verse 4 it says. गलातियों 5:4 में कहा गया है. But let each one examine his own work and then he will have reason for boasting in regard to himself alone and not in regard to another. गलातियों 6:14 वचन पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा. So brothers and sisters, this whole year has gone by, there have been different circumstances in our life. तो भाइयों बहनों पूरा साल जो है वो बीत चुका है, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आ चुकी हैं. Some may be some difficult circumstances. कुछ जो परिस्थितियां आई होंगी वो मुश्किल होंगी. कुछ Some happy circumstances. कुछ जो है आनंद के परिस्थितियां हो सकते हैं. And then what about our walk with the Lord? और फिर हमारा परमेश्वर के साथ चलने के विषय में क्या? Has it been in zeal and in passion? क्या वो हमारा जो चलना है मसीह के साथ उत्साह के साथ हुआ है? Or have we stagnated or slipped behind? या तो फिर हम पीछे की ओर गिरे हैं? All this we can just reflect. तो इन सारी चीजों को हमें देखना है, परखना है. Have we become little more like Christ? क्या हम मसीह के जैसा थोड़ा और बन चुके हैं? Isn't this a thing which we should reflect on? क्या ये वो सारी चीजें नहीं है जिसमें जैसे हमें परखना चाहिए? It's good to reflect on. Then only we can see whether we are making progress. तो ये चीजों को परखना बहुत ही अच्छा है, तभी हम ये देख सकते हैं कि क्या उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं. The Apostle Paul says to Timothy, let your progress be made known to all. प्रेरित पौलुस जो है तिमोथियुस को कहते हैं कि तुम्हारी जो उन्नति है वो सारे लोगों के बीच में पता चले. So the Christian life is all about a progress. तो मसीही जीवन जो है वो उन्नति का ही है. There is we cannot say that we can stagnate. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक जगह पे रुके हुए होंगे. We cannot say that we can remain in one level after we have reached some life. We can remain there. हम ये भी नहीं कह सकते कि एक जगह पे पहुंचने के बाद जीवन में हम वहीं पे बने रहें. Normally we go down. ज़्यादा करके क्या होता है कि हम नीचे जाते हैं. If we are not progressing, we are going down. अगर हम प्रगति नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम निचले स्तर में चले जाते हैं. But the gospel, the word of God, and what our Christian life is all about growing. पर परमेश्वर का वचन और सुसमाचार जो है वो ये है कि हम मसीही जीवन में बढ़ते जाएं. It's all about progress and becoming better and better in the Lord. और वो हमेशा जो है प्रगति करना है और प्रभु मसीह में और बेहतर बनते जाना है. The fruit of the spirit, our faith, everything has to grow. आत्मा का फल और हमारा विश्वास जो है उसे बढ़ते रहना है. People should experience something better from us in our life from year to year. हमारे जीवन से लोगों को साल बद साल जो है कुछ अच्छी चीजें दिखनी चाहिए. If people are finding us difficult,
more difficult than the last year, then something is going wrong. अगर लोगों को ये लगता है कि हमारे जीवन में जो पिछले साल हम जैसे थे उससे भी कहीं मुश्किलें उन्हें दिख रही है तो कुछ तो गलत है फिर. So in my life, my desire is that as per the word of God, I want to progress in it. और मेरे जीवन में मेरी आशा यही है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे परमेश्वर में प्रगति करना है. ओके, सो ब्रदर्स सिस्टर्स मस्ट टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली. तो भाइयों बहनों, आप हम सभी को इस बातों को बहुत ही गंभीरता से लेना है. इन रिलीजन देयर इज नो प्रोग्रेस. धर्म के अंदर कोई भी उन्नति नहीं होती है. इफ वी आर हैविंग रिलीजन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोग्रेस. अगर हम एक धर्म के अधीन में है तो वहां पे कोई उन्नति नहीं होती. बट इफ वी आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद गॉड, progress has to be there. अगर हमारी संगति और एक रिश्ता परमेश्वर के साथ है तो उन्नति तो वहाँ पे होना ही चाहिए. That is the way of the Christian life. तो मसीही जीवन का मार्ग यही है. Okay, look to your Bibles and see Proverbs chapter 4 verse 18. आप अपने बाइबल को लीजिए, उसमें नीति वचन 4 उसका 18 वचन देखिए. This should be like a goal all throughout our life. तो ये हमारे जीवन का हमेशा का लक्ष्य होना चाहिए. But the path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter until the full day. Niti vachan 4 uska 18 parantu dharmiyo ki chaal us chamakti hui jyoti ke saman hai jiska prakash dopahar tak adhik adhik badhta rehta hai. When we believe in Jesus Christ, have a simple faith and trust in what he has done, the Bible calls us righteous. जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने किया उसके लिए हम धन्यवादी होते हैं, तो परमेश्वर का वचन बाइबल हमें कहता है हम धर्मी हैं. And the path of the righteous, और जो धर्मी जो है उसका मार्ग जो है, it says is like the light of dawn. How the day begins, there is a very faint light, then it becomes becomes brighter and brighter till the noonday. तो वो यहाँ पे कहा गया है कि वो चमकती हुई ज्योति के समान है, जैसे एक दिन की शुरुआत होती है धीमी रोशनी के साथ शुरू होती है वो और चमकदार हो जाती है. सो आवर प्रोग्रेस विल नॉट बी लाइक अ स्टीप लाइन, यू नो, लाइक अ स्टीप कर्व और समथिंग, बट इट्स अ वेरी स्टेडी हाउ द लाइट ऑफ डॉन स्लोली गोज अप दैट वे. और ऐसे ही हमारी उन्नति जो है, हमारी बढ़ोतरी जो है, एकदम से वो प्रकाश में नहीं आएगा, परंतु जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि रोशनी धीरे 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 बढ़ती है वैसे होगी. एंड इन द न्यू टेस्टामेंट 2 Corinthians 3:18 इट सेज, दूसरा कुरिन्थियों 3 और उसके 18 वचन में लिखा है, दैट वी आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी. वहाँ पे लिखा गया है कि हम महिमा से महिमा की ओर बदलते जाएंगे. So let us look at our lives and see whether the transformation from glory to glory is taking place, even in a very small way. तो भाइयों बहनों, हम अपने जीवन की ओर देखें और देखें कि क्या ये जो परिवर्तन है महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जा रहा है कि नहीं, भले ही थोड़ा थोड़ा हो रहा हो तो भी. I want to encourage and challenge you that this is the way. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ कि यही मार्ग है. Take it very seriously, brothers and sisters. तो भाइयों बहनों, इसे बहुत ही गंभीरता से लें आप. For me, it is the most important thing in my life. तो मेरे लिए तो ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात है. Transformation from glory to glory. परिवर्तन होना महिमा से महिमा तक बदलते जाना. Job 17:9 says. अय्यूब की किताब 17 उसका 9 वचन कहता है. He who has clean hands will grow stronger and stronger. यहाँ पे कहा गया है अय्यूब 9 वचन उसका 17 वचन, जिसका हाथ शुद्ध है वो और मजबूत होते जाता है. एंड वी रीड वन मोर वर्स इन साम 92:12. हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 92 उसका 12 अध्याय वचन. दिस इज अ वेरी ग्रेट चैलेंजिंग वर्स. ये जो वचन है बहुत ही चुनौती देने वाला वचन है. इवन द वर्सेस आफ्टर दैट 13, 14, 15. और जो वचन उसके बाद है, जो कि 13, 14, 15 भी है. It says the righteous man will flourish like the palm tree, he will grow like a cedar in Lebanon. यहाँ पे कहा गया है भजन संगीता 92 उसका 12 वचन, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे. So it's all talking about progress. तो यहाँ पे सारी बातें जो हो रही है वो उन्नति के विषय में ही हो रही है. And then finally it says even when he is old, he will be green and full of sap. और आखिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी उसका जो टहनियाँ हैं वो हरी भरी होंगी. How many of you are old? आप में से कितने लोग बुजुर्ग हैं? I'm getting old. मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ. Yes, the challenge. Yeah, there are so many people. Some of them putting their hands. They are not old, but okay. But each one of us can have this vision. Even when he is old, he is green. That means he is fresh and full of sap.
और हम में से हर एक जन हमारे अंदर ये जो इच्छा है और एक लक्ष्य होना चाहिए, जब आप बूढ़े भी हो जाएं तो उसके अंदर जो है पूरा उसकी टहनियां हरी भरी होनी चाहिए और उसमें अंगूर फूटने चाहिए। दो आउटवर्ड मैन इज पेरिशिंग और डिकेइंग, आवर इनवर्ड मैन इज बीइंग रिन्यूड। भले ही हमारा बाहरी मनुष्य तो जो है वो नष्ट होता जा रहा है, सड़ता जा रहा है, परंतु हमारा अंदरूनी मनुष्य तो जो है वो नया परिवर्तित हो रहा है, नया हो रहा है। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दैट ओल्ड पर्सन हु इज नॉट ग्रीन एंड फुल ऑफ सैप? और इसका विपरीत क्या है, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि हरा भरा नहीं है, इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा जो है शिकायत करते रहता है। दिस वन डिड दिस टू मी, दैट वन डिड दिस टू मी, इसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। And this people cannot go near to such a person because it's all different. ऐसे व्यक्ति के पास कोई नजदीक भी नहीं जाता क्योंकि उसके साथ सब कुछ अलग होता है। Brothers and sisters, let us aim for this. Let us desire this. God will do it for us. तो भाइयों बहनों, हम इस बात की इच्छा करें, लालसा करें, परमेश्वर हमारे लिए जरूर इस काम को करेंगे। You young people desire that when you are old. तो आप जो है, आप जब बुजुर्ग होंगे तो उस चीज के लिए जो है इच्छा करें, लालसा रखें। So brothers and sisters, I want to just share some things in my life which I want to preserve for myself. तो भाइयों बहनों, मेरे जीवन में से कुछ बातों को बांटना चाहता हूँ, जिस चीजों को मैं अपने जीवन में बचा के रखना चाहता हूँ, उन चीजों को। Especially in regard to this progress in the Lord. खास करके जो प्रभु के साथ चलने में जो उन्नति की बातें हैं उसमें। Okay, I'm going to say a few points. कुछ बातों को मैं कहूँगा। The first one, the most very important one is to live a surrendered life. सबसे महत्वपूर्ण एक जो बात है वो सबसे पहली बात वो है कि एक समर्पित जीवन जीना। To live a surrendered life, that means Jesus should be first in our life. एकदम समर्पित एक जीवन जीना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे प्रथम हो। I want to challenge all the young people here. मैं यहाँ पे जो जवान बैठे उनको मैं चुनौती देना चाहता हूँ। If this is the most important thing, being living a surrendered life. ये सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है, एक समर्पित जीवन जीना। That means Jesus is first on the list. इसका मतलब ये हुआ कि सूची में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह है। Everything is below him. बाकी सब कुछ उनके नीचे आता है। Then only the Christian life actually progresses. तभी जो मसीही जीवन है वो उन्नति की ओर जाती है। If Jesus is second, there will not be progress. अगर यीशु जो है दूसरे स्थान पे है तो वहाँ पे कोई उन्नति नहीं होगी। So come to that surrendered life. तो उस समर्पित जीवन की ओर आए आप। I don't know how many what is the percentage of people who are surrendered. मैं नहीं जानता कि कितने प्रतिशत लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है यहाँ। But it is very less. भले ही ये बहुत कम होंगे। That's why Christians are progressing very very slowly. इसीलिए मसीही लोग बहुत ही धीरे-धीरे उन्नति की ओर जाते हैं। So every day can we say, Lord, I surrender my life to you. प्रतिदिन हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करता हूँ। My ambitions, my plans, my dreams, my choices, my wishes. Everything at your feet. मेरे चुनाव, मेरे जो योजनाएं हैं, मेरे जीवन के सब कुछ, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरे सपने, सब कुछ मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। When we do that, we can tell easily tell the Lord, Lord, now you fill me with the Holy Spirit. जब हम करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम कहेंगे कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दें। He fills every surrendered heart, every heart who has emptied his life. He fills with the Holy Spirit. और जो कोई भी हृदय अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने खाली करकर समर्पित करता है, उसे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर देते हैं। The next one is walking in fellowship with God. और दूसरी बात जो है वो है परमेश्वर के साथ संगति में चलना। Continuously. लगातार। You know, continuously walking in fellowship with God means that you are always fresh in connection with him. परमेश्वर के साथ लगातार संगति में चलने का अर्थ ये होता है कि हमेशा परमेश्वर के साथ के आपके रिश्ता रहता है, संपर्क रहता है, हमेशा ताजा रहता है वो। That means even if you have fallen, you have got up and got right with God. इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आप गिर भी जाते होंगे, फिर भी आप जल्दी से उठेंगे और परमेश्वर के साथ आप अपना रिश्ता ठीक कर लेंगे। You're not keeping a backlog of things which you are not brought it to the Lord. ऐसे कभी नहीं होगा कि हम चीजें जो है पीछे की और रख रहे हैं जो कि हमने परमेश्वर के सामने कभी लाया ही ना हो। Here's a word which challenges me and I want to live like this. 1 Corinthians chapter 4 verse 4. एक वचन है जो मुझे चुनौती देता है और मैं जिस वचन के अनुसार मैं जीना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों 4 उसका 14 वचन। Just note down this verse. It's a very important verse.
बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, इसे आप लिख के रखें। आई एम कॉन्शियस ऑफ नथिंग अगेंस्ट माई सेल्फ, येट आई एम नॉट बाई दिस एक्विटेड, बट द वन हु एग्जामिन्स मी इज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 4:14 का 14 वचन, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। Apostle Paul was living like that. प्रेरित पौलुस ऐसे ही जी रहे थे। He always a connection with God. परमेश्वर के साथ उनका हमेशा एक संपर्क रहता था। He was not perfect. वो एक सिद्ध नहीं थे। And neither we are perfect. या तो हम भी सिद्ध नहीं हैं। There are times we may fall, maybe at home or in the church or wherever it is. हो सकता है कि कहीं कभार हम गिर जाते हैं, भले हम घर में हो या तो फिर कलीसिया में हो कहीं भी। But we immediately confess our sin or get right with God, and there is nothing against us. परंतु हम क्या करते, तुरंत परमेश्वर के सामने अपनी बातों को कबूल करते हैं, बोल देते हैं, और कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती है जो परमेश्वर के सामने हमने लाई नहीं हो। John chapter 8:29 says. यूहन्ना 8 उसका 29 वचन कहता है। This is another thing how Jesus lived. He says, He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing in His sight. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही जीवन जिया है, वो कहते हैं, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। Can we say all times that Jesus is with me? क्या हम ये कह सकते हैं कि सर्वदा यीशु मेरे साथ ही हैं? Okay, Jesus was like that. He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing in His sight. प्रभु यीशु मसीह वैसे ही थे, वो कह रहे हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे कभी अकेला छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। So now the third thing which for me it's a challenging thing is having a desire to know Jesus more in my life. और तीसरी चीज जो मेरे लिए एक चुनौती है, वो ये है कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा जानना। The apostle Paul had this constant desire of wanting to know Jesus more. और प्रेरित पौलुस के अंदर लगातार एक लालसा होती थी कि वो प्रभु यीशु के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जाने। And brothers and sisters, this is very important in our Christian life. Till the end of our life, we have to have this thirst and longing to know God more. तो भाइयों बहनों, हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यक बात है कि हमारे जीवन के अंत तक हमारे मन में एक लालसा इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु को और अधिक अधिक जानें। Apostle Paul said in Philippians chapter 3:10, he says, I want to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों की 3:10 और उसके 10वें वचन में, और उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके सब साथ दुख में सहभागी होने को, और उसको मैं जानना चाहता हूँ। Then in Matthew chapter 5:6 it says, Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be satisfied. और मत्ती की किताब 5:6 उसके 6वें वचन में कहा गया है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। So is there a hunger and thirst for us of righteousness and God, hunger for God in our life? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूख और प्यास है? Or is it after we come to know Christ, after we are born again, that our hunger and thirst is over? या तो फिर ऐसा है कि हम प्रभु को जानने के बाद, उद्धार में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, हमारी भूख और प्यास जो है वहाँ पे ही थम गई हो। Progress will be there only when we continuously hunger. और एक उन्नति तभी होगी जब हम लगातार एक भूख और प्यास के साथ होंगे। It's a wonderful thing to hunger for God. परमेश्वर के लिए भूखा रहना जो है एक बहुत ही अद्भुत सी बात है। It will make you search in so many ways. तो वो आपको इसकी खोज करने के लिए आपको तैयार करेगा बहुत सारे मार्गों से। Not searching for the truth, you have found the truth, but you want to hunger more. इसलिए नहीं कि आप सच्चाई की खोज करो, आपने सच्चाई को पा लिया है, पर आप जो है और उसे चाहते हो, उसको जानना चाहते हो। The word of God says he satisfies. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको तृप्त करेगा। The next one for our progress is growing in humility. और दूसरा अगला जो बात है वो ये है कि नम्रता में बढ़ना। All the other things we may do, but if we don't grow in humility, there is a tremendous lack in our life. बाकी सारे चीज़ों में आप बढ़ पाएंगे, अगर आप जो है दीनता नम्रता में बढ़ नहीं पा रहे हो तो वो हमारे जीवन के लिए एक कमी होगी। The way Jesus went was down and down and down. प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से गए हैं, वो नीचे किस स्तर की ओर गए हैं। The more we see that way down,
more blessed our life will be. और जितना हम ये देखेंगे कि हम निचले स्तर की ओर जाए तो उतना ही हमारा जो जीवन है आश्रित होगा. The devil wanted to keep on going up and up. शैतान जो है वो हमेशा ऊपर ऊपर चढ़ना चाहता है. So brothers and sisters, we all have the temptation whenever we do something well, whenever we sing well, whenever we preach well, whenever we cook well, whenever we do anything well, it goes into our head. तो भाइयों बहनों हमारे अंदर जो है ये परीक्षा हमेशा आती है. जब भी हम अच्छा गीत गाते हैं, जब भी हम अच्छा प्रचार करते हैं या तो फिर अच्छे से खाना पका सकते हैं, तो हमारे अच्छा करने की जो चीज़ें जो हैं हमारे सर पे चले जाती हैं. देन वी फील वी आर समथिंग. फिर हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ तो हैं. वी आर समथिंग. हम कुछ तो हैं. द बाइबल सेज इफ वी फील दैट वी आर समथिंग वी आर नथिंग. परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं. सो इफ वी वांट टू हैव अ डिजायर टू बी अ नथिंग देन एटलीस्ट गॉड कैन यूज अस. अगर हमारे अंदर ये इच्छा हो कि हम कुछ भी नहीं होना चाहते तो कम से कम परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं. सो द अपोस्टल पॉल इन 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 11 ही सेज इवन दो आई एम अ नोबडी. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 11वें वचन में, भले ही मैं कुछ भी नहीं हूँ. सो ब्रदर्स सिस्टर्स डू वी वांट टू बी अ नोबडी. तो भाइयों बहनों क्या हम कुछ नहीं होना चाहते हैं? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट मी और नोबडी नोज मी. कोई भी मेरे बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी मुझे जानता नहीं है. नोबडी हैज टेकन माय नेम. किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है. डू वी वांट टू बी अ नोबडी? क्या भाइयों बहनों हम ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा बनना चाहते हैं? Our flesh wants to be a somebody. हमारा जो शरीर है वो कुछ तो बनना चाहता है. My flesh wants to be, I want my name to, but now I want my, I'm praying that Lord, I don't want to hear my name. तो मेरा जो शरीर है वो चाहता है कि मेरा कुछ तो नाम हो, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मेरा नाम ना आए. And then the word of God says, those who are like the Jesus tells his disciples, you must be like the youngest. तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम्हें छोटों के जैसा बनना है, बालकों के जैसा. The eldest has got respect. जो बड़े होते हैं उन्हें आदर सम्मान मिलती है. But the youngest is the background. बट जो छोटे होते हैं वो पीछे रखे जाते हैं. Jesus said, you must be like the youngest. प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें बालकों के समान होना है. You must be like the servant. तुम्हें एक सेवक की नाई होना है. You must be like the slave. तुम्हें एक गुलाम की जैसे होना है. So this is the way for the progress in our life. तो यही मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं. All those who go like that way will be making progress. और जितने भी लोग उसी मार्ग की तरफ जा रहे हैं तो वो अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं. And finally the last point is. और आखिरी जो सूचना है वो ये है. These are things which I in my own life seek to follow and grow. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने जीवन में खोज करता हूँ, चाहता हूँ कि इन चीज़ों में मैं बढ़ूँ. I thought I'll share it for our encouragement. और मैं इसे बांट रहा हूँ ताकि हम सभीों को उसके द्वारा प्रोत्साहन मिले. Other one is growing in love. और दूसरी चीज़ है प्रेम में बढ़ना. Love is the most important thing in the life. जीवन में प्रेम जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. We have everything, knowledge and gifts and everything, but no love. अगर हमारे पास सारी चीजें हैं, जैसे कि बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, पर अगर प्रेम नहीं है, the Bible says it is nothing, is empty. तो बाइबल उसे कहता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो खाली है. We meditate on 1 John chapter 4. हम पहला योहन्ना उसके 4वें वचन में देखा हमने. It speaks about God's love and it says, if we have love, then we become like God. और वहाँ पे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहा गया है. वहाँ पे कहा गया है अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम परमेश्वर के समान हो जाते हैं. Just imagine if we have against one person some wrong attitude. ऐसे कल्पना करके देखिए कि अगर एक भी व्यक्ति के प्रति आपका मनोभाव ठीक नहीं हो, then we are out of love. तो हम प्रेम से बाहर हैं. If just one person. सिर्फ एक ही व्यक्ति होने दो. Do you mean that? Not a single person I should have. तो आप ऐसे समझें क्या एक भी व्यक्ति के खिलाफ मैं ऐसे नहीं हो सकता हूँ? Yes, that is what God wants us. तो परमेश्वर हाँ यही चाहते हैं. Wrong attitude, wrong thinking about some, even one person. गलत मनोभाव उस व्यक्ति के बारे में गलत सोचना एक भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं. I sometimes, you know,
while the routine work, some thought comes about some person. कई बार मैं अपने घर के काम में रहता हूँ तो कुछ तो विचार मेरे मन में आते हैं. That thought is not a very pure thought. Slightly, it's like a little negative thought about somebody. और वो जो विचार है वो अच्छा इतना अच्छा विचार नहीं है, कुछ तो नकारात्मक विचार है किसी के बारे में. And then, when I think about God, that thought comes. What about that thought? What do you thought? और फिर जब मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ तो फिर वो विचार आता है कि वो चीज जो आपने विचार किया था वो क्या. When I go to God, not a single negative thought about any person in this world has to trouble me. जब मैं परमेश्वर के सामने जाता हूँ तो इस दुनिया में एक भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह का नकारात्मक जो विचार है वो मेरे अंदर नहीं होना है. Communion with the Almighty God, whose light in Him there is no darkness. और हमारी जो संगति है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ है, जिसके अंदर हमेशा रोशनी रहती है, बिल्कुल भी अंधियारा नहीं है. So let's read 1 John 4:16. हम पढ़ेंगे पहला योहन्ना 4 अध्याय उसका 16वां वचन. It says, and we have come to know and have believed the love that God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. पहला योहन्ना 4 अध्याय उसका 16वां वचन. और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है, परमेश्वर प्रेम है. जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है. We'll read Romans chapter 13. हम जाएंगे रोमियो उसके 13वां अध्याय में. Verse 10. उसका 10वां वचन. It says, love does no wrong to a neighbor. Love therefore is the fulfillment of the law. यहाँ पे कहा गया है प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है. So brothers and sisters, what God is calling us even 2024 and always is to go the way of progress. तो भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी बुलाहट 2023 में और 24 में भी इसीलिए करें, हमेशा करते हैं ताकि हम उन्नति की ओर बढ़ते जाएं. As long as we are connected to Him and faithful to Him, there will be progress. जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे, जब तक उनके साथ चलते रहेंगे, तो हमारी संगति, हमारी बढ़ोतरी होती रहेगी. Brothers and sisters, let's not come to 2024 31st December with a heart saying that it has not gone well, it has not progressed, but it has, we have stagnated, or we have gone behind. तो भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि 2024 के दिसंबर 31 तारीख को हम आकर ऐसे सोचें कि हमारा जीवन जो है उन्नति की ओर नहीं गया है, परंतु एक जगह ही रुका हुआ है. एंड इवन इफ दिस ईयर हैज नॉट गॉन सो वेल इन दैट टर्म्स ऑफ मच प्रोग्रेस और समथिंग, वी कैन टेक हार्ट दैट गॉड इज विद अस एंड गॉड विल हेल्प अस. इफ वी हैव द डिजायर, देयर विल बी द प्रोग्रेस इन आवर लाइफ. अगर ऐसा हुआ हो कि ये जो साल है वो इतनी उन्नति में नहीं गया हो, तो हम परमेश्वर की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है ताकि वो हमें आगे बढ़ाते जाएं. And when there is that progress in our life, you know who will benefit? अगर ये उन्नति हमारे जीवन में होगी तो ये किसको लाभदायक होगा, क्या आप जानते हैं? Our family members. हमारे परिवार के लिए होगा लाभदायक. Our church people. हमारे कलीसिया के लोगों के लिए होगा. They will get the benefit. उनको लाभ मिलेगा इससे. So wonderful. बहुत ही अद्भुत बात. We can desire to be like that. तो हम इस चीज की हम मन में लालसा कर सकते हैं कि हम ऐसे ही हों. Amen.